आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बस की, रेलवे टिकट की, राशन की लाइन में लगे हुए हों और कोई लाइन तोड़कर आपसे आगे जाकर लाइन में लग जाए? बुरा लगता है ना? और ज्यादा बुरा तब लगता है जब आप लेट हो रहे हों, और सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब आपके अलावा बाकी कोई इस लाइन तोड़ने का विरोध ना कर रहा हो। आज हिंदुओं को वैसा ही बुरा लग रहा है जब अदालत की खामोश स्वीकृति से बकरा ईद को तो चलने दिया जा रहा है, लेकिन अदालत के दबाव में कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष होने वाली कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बधाई हो हिंदुओं, नहीं, ताना नहीं मार रहा, सचमुच बधाई हो। आप लोगों ने फिर से कोरोना को फैलने और तीसरी लहर, हिंदी में बोले तो थर्ड वेव को आने से रोक लिया। आखिर एक जिम्मेदार धर्म होने के कारण आपका धर्म बनता है मानवता की रक्षा करना, जीवन को बचाना, पर्यावरण का संरक्षण करना। जैसे दिवाली होने पर आपको वायु प्रदूषण को रोकना होता है, जबकि अंग्रेजी नववर्ष और आईपीएल क्रिकेट में वायु प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी नहीं होती। होली पर साल भर का पानी बचाने की जिम्मेदारी आपकी होती है, लेकिन वाटर पार्क और स्विमिंग पूल की साल भर ये जिम्मेदारी नहीं बनती। इसी प्रकार पहले दिवाली, फिर होली, फिर कुंभ और अब कांवड़ यात्रा को कोरोना फैलने से बचाने का दायित्व मिला है। सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियां हो या शहर शहर निकलते जनाजे, उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। और हाँ, गलती से भी अगर किसान आंदोलन पर दूसरी लहर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फैलाने का आरोप भी लगाया, यूके वेरिएंट के लिए उनको दोषी बताया, तो देश से गद्दारी होगी। आखिर हमारे देश के अन्नदाता हैं वो, उन पर कोई अदालत स्वतः संज्ञान नहीं लेगी जिस तरह कांवड़ यात्रा पर लिया है। और सच बताएं तो हमें तो पहले ही दिख गया था कि यात्रा पर बैन लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चेतावनी दी कि कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दो। ये चेतावनी उन्होंने स्वतः संज्ञान का ब्रह्मास्त्र चलाते हुए दी थी। अच्छा, दो शब्द स्वतः संज्ञान पर भी हो जाएं। हमारे देश के संविधान में स्वतः संज्ञान जैसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारी अदालत तो देश के संविधान से भी पुरानी है ना। देश की आजादी से पहले से चल रही है और देश की आजादी के पहले के ही कानून से चल रही है। आज भी केवल अदालत में जज और वकील के द्वारा पहने जाने वाली पोशाक ही अंग्रेजों की देन नहीं है, बल्कि उनकी सोच भी अंग्रेजों की ही परंपरा से चली आ रही है। स्वतः संज्ञान लेकर अदालत सबरीमला और शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश करवा सकती है, लेकिन हाजी अली की दरगाह पर उन्हें महिलाओं की कमी नहीं खलती। वहां स्वतः संज्ञान लेने से पहले ही उन्हें ज्ञान हो जाता है। अब देश भर में 20 और 21 तारीख को बकरी ईद मनाई जाएगी, जहां सड़कों पर बकरी से लेकर भैंस तक काटी जाएंगी, लेकिन तब कोरोना छुट्टी पर गया होगा, अदालत को उसका स्वतः संज्ञान नहीं याद आएगा, लेकिन कांवड़ यात्रा पर आ गया। फिर उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि हम तो कांवड़ यात्रा नहीं करेंगे। आप सब जानते होंगे कि इस यात्रा में पूरे उत्तर भारत से यात्री हरिद्वार जाते हैं, पवित्र जल भरते हैं, फिर अपने अपने क्षेत्रों में आकर मंदिरों में उस जल से अभिषेक करते हैं। पहले तो सब पैदल ही जाते थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में वाहनों का प्रयोग होने लगा है, जिसे डाक कांवड़ भी बोल देते हैं। अब सोचने की बात यह भी है कि अगर गाड़ी में जल लाने से कोरोना फैलता है, तो लॉकडाउन के बाद जो देश भर में गाड़ियां घूमती हमें दिख रही हैं, उनसे क्यों नहीं फैलता? पहाड़ों में पर्यटन के लिए इतनी भीड़ जमा है, उस पर रोक क्यों नहीं लगती? जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, कांवड़ यात्रा नहीं। और उत्तराखंड सरकार ने कहा कि अगर 22 तारीख से कोई कांवड़ यात्री हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहां बता दूं कि 22 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 और 21 तारीख को ईद है, और ईद के बाद ही किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार जो शायद देश में आज के समय की एकमात्र सरकार है जो मिलोर्ड के आदेश के सामने सीधे घुटने टेकने से मना कर देती है, और इस लिस्ट में केंद्र सरकार भी शामिल है,
उस यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से पहले मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम कोविड नियमों का पालन करवा रहे हैं और यात्रियों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर मिलोट को क्या परेशानी है। नियम और नीतियां बनाना तो सरकार का काम है, मिलोट का नहीं। अब सरकार ने कांवड़ यात्रा संघों के साथ स्थिति पर विचार किया है और उनकी सहमति से ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष यात्रा को स्थगित किया जाए। यहां ध्यान दीजिए, हमारा विरोध यात्रा स्थगित करने पर नहीं था। लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो बदलाव करने पड़े हिंदू वो करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान ना पेला जाए। पिछले साल इन्हीं कांवड़ महासंघों ने खुद से बिना किसी के दबाव के ये यात्रा स्थगित की थी। इस बार भी यदि सरकार और स्वास्थ्य विभाग उनसे बात करते और कहते कि यात्रा से नुकसान हो सकता है तो वो खुद ही यात्रा करने से मना कर देते। हिंदू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है, संवेदनशीलता भी है और इतनी सहन शक्ति भी है कि अपनी परंपराओं पर विराम लगा सके, लेकिन उसे किसी मिलोट से सीखने की जरूरत नहीं है कि जनहित में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। देख लीजिएगा, इस यात्रा के स्थगित होने पर एक भी पत्थर नहीं चलेगा, एक भी शिव भक्त किसी डॉक्टर पर नहीं थूकेगा और एक भी जगह प्रशासन से मारपीट नहीं होगी। खुद अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी कह रहे हैं कि अपने अपने गांव और घरों में जलाभिषेक करें, लेकिन मैं मिलोट से पूछना चाहता हूं कि बकरी ईद पर और नकली किसान आंदोलन पर स्वतः संज्ञान कब लोगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है अंधविरोधियों के नाम। कांग्रेस के एक क्रांतिकारी नेता हैं मौलाना प्रमोद कृष्णन, मेरा मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णन। कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा एक महान तपस्या है और तपस्या में बाधा डालना सनातन की परंपराओं के विरुद्ध है। तो ठीक है, कह दो अपने जनेवधारी शिव भक्त राहुल गांधी से लेने जाएं कांवड़, हम उनके साथ चलेंगे। है हिम्मत? अगर आप भी हिंदुओं के त्योहारों पर चुनिंदा हमलों को रोकना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।